नमस्कार, किरण माहेश्वरी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मूंगफली से मिठाई। मूंगफली से मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले आप 1.5 कप मूंगफली ले लें। अब आप एक कढ़ाई को गैस पे रखें, उसमें 1.5 कप मूंगफली के दाने डाल दें और इसे कंटिन्यू चलाते हुए रोस्ट करें। मूंगफली को आप लो टू मीडियम आंच पर ही सेकें। मूंगफली अच्छे से सिक चुकी है। मुझे मूंगफली को सेकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। आप अगर एक हाथ में लेके देखोगे ना तो छिलका आसानी से निकल रहा है। इससे ज्यादा ना सेकें, गैस को बंद कर दें और इसे किसी बड़े बर्तन में निकाल दें। मूंगफली को पूरी तरह से ठंडा होने दें। मूंगफली पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है। अब आप इसे हाथों से मसल कर पूरा छिलका निकाल दें। मैंने सारी मूंगफली को छील लिया है। अब आप एक ग्राइंडर जार लें, उसमें ये मूंगफली को डाल दें। सारी मूंगफली इसमें डाल लें। मैंने सारी मूंगफली को ग्राइंडर जार में ले लिया है। अब आप इसको बिल्कुल बारीक पीस लें, लेकिन पल्स पर रोक रोक के पीसें आप इसे। मैंने मूंगफली को बारीक पीस लिया, आप देख सकते हैं। अब एक बाउल पे स्ट्रेनर रखें, उसमें ये पीसी हुई मूंगफली को डाल दें। अब आप इसे छान लें। ऐसा करने से कोई भी मोटा दाना रहेगा तो इसमें से निकल जाएगा। मैंने सारी मूंगफली को छान लिया है। ये जो मोटा बच गया ना, इसे आप साइड में कर दें। मूंगफली का पाउडर तैयार हो चुका है। मूंगफली की बर्फी के लिए अब हम चाशनी बनाएंगे। उसके लिए आप 3/4 कप शक्कर ले लें। कढ़ाई को गैस पे रखें, उसमें ही शक्कर डाल दें। जितनी आप शक्कर ले रहे हैं उसका आधा पानी डालें और इसे कंटिन्यू चलाते हुए मेल्ट करें। जितनी आप मूंगफली ले रहे हैं उसकी आधी शक्कर लें। मीठा आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। चाशनी में भी उबाल आ चुका है। हमें आधे तार जितनी चाशनी बनानी है। इसे 2 से 3 मिनट बॉईल होने दें। चाशनी को उबलते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अगर आप अंगुली और अंगूठे के बीच में लेके देखोगे ना तो ये आधा तार बनना चाहिए। चाशनी बन चुकी है। अब आप पीसी हुई मूंगफली को इसमें डाल दें। धीरे धीरे डालें और मिक्स करते जाएं ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। मैंने सारी मूंगफली को मिक्स कर दिया है। अब आप इसे कंटिन्यू चलाते हुए हल्का सा गाढ़ा करें। मुझे इसे पकाते हुए 1 मिनट हो चुका है। ये हल्का गाढ़ा हो चुका है। अब आप एक कटोरी ले, 2 से 3 चम्मच जितना पेस्ट इसमें निकालें। कुछ सेकंड के लिए आप गैस को बंद कर दें। अब आप इसमें 1 से 2 चम्मच कटे हुए काजू डाल दें, 1 से 2 चम्मच कटी हुई पिस्ता, 1 से 2 चम्मच कटे हुए बादाम। इन्हें बारीक टुकड़ों में कट करके डालें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब आप एक बटर पेपर या फॉइल पेपर ले लें, उसे हल्का घी से ग्रीस कर लें। और ये रेडी किया हुआ मिश्रण इस पे डालें। अब हाथों से इसे अच्छे से रोल करें। अब इसे अच्छे से रोल करें आप एक बार। अब इसे आप लंबा कर दें।
मैंने इसे पूरा लंबा कर लिया है। अब आप इसे हाथों से चौकोर शेप दे दें या फिर कोई भी नाइफ ले लें उससे इसे चौकोर शेप दें। ऊपर से भी चौकोर कर दें। अब आप इसी बटर पेपर में इसे फोल्ड कर लें। टाइट फोल्ड करें। और इसे 5 मिनट के लिए रख दें। अब आप फिर से गैस को ऑन करें। मैं इसे चॉकलेट कलर में बनाऊंगी इसलिए चॉकलेट फूड कलर डाल रही हूं। आप जिस कलर में बनाना चाहते हैं वो कलर डाल दें। थोड़ा सा चॉकलेट एसेंस डालें और इसे अच्छे से मिक्स करें। सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। मिश्रण भी एक गोले की तरह घूमने लग चुका है। इससे ज्यादा आप ना पकाएं, गैस को बंद कर दें। फिर से आप एक बटर पेपर या फॉइल पेपर लें, इस पे हल्का सा घी लगा दें। पूरे बटर पेपर को घी से ग्रीस कर लें। मैंने पूरे बटर पेपर को घी से ग्रीस कर लिया है। अब आप रेडी किया हुआ मिश्रण इस पे ले लें। अब आप इसे पतला फैला दें। हल्का फैलाने के बाद आप बेलन लें, बेलन को भी घी से ग्रीस कर लें और इसे पतला बेल लें। इसे एकदम पतला भी ना बेलें तो एकदम मोटा भी ना रखें। इसके जितना बेलना है अपने को उस हिसाब से आप बेलें इसे। मैंने इसे बेल लिया है, ये बराबर इस साइज का है आप देख सकते हैं। अब आप इसका पेपर खोल दें, ये अच्छे से सेट हो चुकी है आप देख सकते हैं। अब इसके बीच में रखें आप इसे और एक साइड से बटर पेपर को उठाएं और बिल्कुल टाइट इसके ऊपर फोल्ड करें, एकदम टाइट करें आप। और इसे हाथों से प्रेस करते जाएं, चौकोर शेप देते जाएं। इसी तरह पूरा फोल्ड कर दें। मैंने इसे पूरा फोल्ड कर लिया है। अब आप इसी बटर पेपर में इसे फोल्ड कर दें। और 10 मिनट के लिए इसे सेट होने के लिए रख दें। बर्फी अच्छे से सेट हो चुकी है। अब आप बटर पेपर को निकाल लें। और इसे बोर्ड पे ले लें। मैं इस पे हल्का सा कोकोनट लगा रही हूं, आप डेसिकेटेड कोकोनट ले लें। इस पे अच्छे से लगा दें। मैंने पूरे पे कोकोनट लगा लिया है। अब मैं आपको कट करके दिखाती हूं। आप नाइफ लें, पहले थोड़ा सा साइड का हिस्सा हटा दें। अब आप इसे पतला या मोटा जैसा चाहे वैसा कट करें। देखिए बहुत ही स्वादिष्ट बर्फी बनती है। अगर मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह आप सारे पीसेस को कट कर लें। मैंने सारे पीसेस को कट करके प्लेट में ले लिया। बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई बनती है। आप भी बनाएं और अपने अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर करें।